व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मैं भी खुदा की फजल से ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स भी खुदा की फजल से बखैरियत और खुश खुशरम होंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरा घर है, ठीक है, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये मेरा बेडरूम है, और ये मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, और ये मेरी कबर्ड है यहाँ पर लगी हुई, ये जो कपड़े मैं ड्यूटी पे पहन के जाती हूँ वो रखती हूँ मैं। और व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। मैंने आपसे कहा था ये हम पानी सेव करके रखते हैं, इसमें ये ड्रम है, आज पानी वाले ने पानी दिया नहीं, अभी तक पानी नहीं आया, जबकि मेरा इरादा था आज मैं कपड़े धोऊंगी आके। ये देखिए सब टप खाली वाली पड़े हुए, पानी कब आएगा पता नहीं। ये हम लोगों का पीने का पानी है, पीने का पानी हम खरीदते हैं, और यहाँ पर भी मैंने बर्तन वर्तन धोए हैं जो सुबह से पड़े हुए थे, और अभी मैंने खाना बनाया आपके किचन में, ठीक है। ये मैंने बनाया चावल, और ये मैंने चिकन का सालन बनाया अभी आके रोटी से। और किचन भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा किचन है मेरा बस। और ये हमारा फ्रिज है जहाँ हम चीज़ें वीज़े रखते हैं, और ये देखिए मेरे कितने सारे कपड़े धुलने वाले हैं, और ये मेरे कल के बारिश वाले कपड़े हैं, हम लोग जिस बारिश में हम लोग आए थे, हम भीग गए थे बिल्कुल भी, बिल्कुल सब गीले हुए थे। और यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मेरा बेटा सो रहा है, इसमें बारिश बहुत आती है। और हम लोगों का एक कमरा ये है, दो कमरे हैं, और ये सो रहा है, इसको तंग नहीं करना चाहता। ये मेरा छोटा बेटा है, ये नाइट ड्यूटी करके आता है। मैंने वापस कमरे की लाइट बंद कर दी है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो कॉल सेंटर में जाता है। तो अभी बादल बहुत बने हुए, और आज जल्दी छुट्टी होगी थी, तो इसलिए मैंने आके खाना वाना बनाया और सारी सफाई वफाई की घर की, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बारिश वारिश तो नहीं आती घर में। और ये छोटी सी विंडो है जिससे हम बाहर का देख लेते हैं कौन से बादल हैं तो कौन से नहीं। तो मैंने बस अभी खान जी का भी लोग देखा था, वो भी बहुत अच्छा था, सुमेरा का देखा, उनके भैया चले गए हैं, तो बस सारे बहन भाई ऐसे आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करें, मिलते जुलते रहें, और अच्छी बात है कि एक दूसरे का एहसास करें। बस यही भी लोग था मेरा, और मेरे हस्बैंड गए हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन 3 साल से अभी से कोई काम नहीं मिला उनको। बहरहाल वो कोशिश में कि कहते हैं कि कोई नहीं लगेगा तो एक ही दफ़ा लगेगा, तो अपने भी खुदा पे उम्मीद रखी हुई है, अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। और बाकी मेरे बड़े बच्चे जो हैं वो सब शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में, बेटी मेरी अपने घर में, वो नबीला में काम करती है, मेकअप आर्टिस्ट है, अभी वो IFI वॉक करके आई मेरी बेटी, और मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी उसकी तस्वीरें भी, और IFI का जो कार्ड बना था उसको शेयर करूँगी आपके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे सब अपने अपने घर में सेटल हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, छोटा बेटा, हम लोग इस घर छोटे से घर में रहते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे हैं। बस व्लॉग इसलिए बनाना शुरू किया कि लोगों ने कहा था कि नहीं आंटी आप भी बनाएं, अच्छी सपोर्ट हो जाती है, आप अकेली काम करती हैं तो आपको अच्छा सब्सक्राइब करना मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे मिलने गिलने के लिए, तो इसलिए बेटा मैंने ये चीज़ें अब बनाना शुरू की हैं। तो ये वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगी, और मैं मिलूँगी भी उन लोगों से जो यूट्यूबर है, तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा हाथ सही हो जाएगा, तो मैं सबसे मिलूँगी, सबसे बात करूँगी। सोनिया गोपाल हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे कृष्णन जी के वो है भाई बहन है। तो बाकी सुमेरा लोग भी अच्छे, शहजाद भी अच्छा है, और खान जी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनके भी शुक्रगुजार हैं, और काफ़ी लोगों ने किया, और इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहें,
और मेरी वीडियो अपलोड होती रहेगी, घर की रूटीन भी होगी और सारी बातें भी आपसे शेयर करूँगी जो भी होगी। मेरे पोते पोती हैं वो भी हैं, उनकी भी मैं अपनी तस्वीरें अपलोड करूँगी, वीडियो भी दिखाऊँगी। और मेरा बेटा, हम लोग सब, मेरा बेटा तो डिग रोड में रहते हैं, बच्चे मेरे सारे डिग रोड में रहते हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ रहती हूँ। तो इसलिए कि मुझे डिफेंस नज़दीक लगता था, वहाँ से आने जाने का मसला था, पेट्रोल वैसे भी इतना महंगा हो गया कि मुश्किल हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बारह पूरा हो जाता है, बहुत बेहतरी है, अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा हुआ। तो बहरहाल ये कि चलो, आप मैंने आप भी व्लॉग बनाया आके, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और अल्लाह करे कि मम्मी की शादी, मम्मी राज की शादी खैर खैरियत से हो जाए, खुदावंद उसको भी बहुत सारी बरकतों से नवाजे। आमीन। चलें व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।